नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह
मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है, हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है, हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है, हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे
आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन आशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन आशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन आशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में
एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जाम उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी के माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा,
वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है, हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है, हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है, हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे,
माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे ऐशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे ऐशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाजरीन आप देखेंगे ऐशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाजरीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह
मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे ऐशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे ऐशी की तमाम बातें सच होंगी, मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा, मोमिन रात रात भर जागेगा, और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे, माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था, माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है, और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे
आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। रियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मोमिन की वालदा फरी और अपने घर वालों से कहेगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी खोट नहीं था। माया ने मोमिन से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, जिस पर फरी अपनी माँ से कहेगी, हो सकता है कि जिस तरह हम मोमिन से बदगुमान हो गए थे उसी तरह मोमिन भी आज भाभी से यानी कि माया से बदगुमान हो चुका है। हमें इसका कोई ना कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। जब मोमिन किसी की बात नहीं सुनेगा तो ऐशी खुद मोमिन को समझाएगी और कहेगी कि यूं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो मोमिन ऐशी से कहेगा, वो बेसहारा नहीं है, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई, उसके बहुत सहारे हैं। तो ऐशी मोमिन से कहेगी, जब कोई बेआसरा बन जाए ना उसका सहारा अल्लाह होता है और जब किसी का सहारा अल्लाह बन जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने उसे बेसहारा किया होता है अल्लाह उनका चैन सुकून छीन लेता है। तो नाज़रीन आप देखेंगे आशी की तमाम बातें सच होंगी। मोमिन के दिन का चैन और रात का सुकून खत्म हो जाएगा। मोमिन रात रात भर जागेगा और जब वो माया की तलाश में निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि जो इल्जामात उसने माया पर लगाए वो सब झूठे थे। माया ने जो कहा वो सब सच था और उसने सच्चे दिल से मोमिन से मोहब्बत की थी। तो नाज़रीन क्या मोमिन माया को तलाश कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।